नमस्कार दोस्तों, अगर आपके लिप्स, आपके ओंठ बहुत ज़्यादा काले हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो आज मैं आपको डार्क लिप्स के बारे में ही कुछ जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिप्स, हमारे ओंठों का कलर जो है हमारे कलर पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, आपके शरीर में मेलेनिन पिगमेंटेशन कम है, तो आपके ओंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिंक होंगे। अगर आप थोड़े से सांवले हैं, आपके शरीर में मेलेनिन पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके ओंठ उस हिसाब से थोड़े से हल्के से, उसमें भी मेलेनिन पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वो भी हल्के से सांवले होंगे। हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो ओंठ हैं, वो ऐसे सुंदर दिखते क्यों हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे लिप्स के जो ऊपर जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेयर। दोस्तों, सेलुलर लेयर का मतलब ये है कि एक पन्नी नुमा, एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो लेयर होती है, एक पन्नी नुमा लेयर होती है यहाँ पर ऊपर, जिसके कारण हमारे अंदर के वेसल्स, खासकर ब्लड वेसल्स हमें दिखते हैं। जो ब्लड वेसल्स अगर हमें दिखेंगे, तो ब्लड का रंग होता है लाल, जिसके कारण हमारे जो लिप्स हैं वो लाल दिखने लगते हैं। दूसरा कारण हमारे लिप्स के कलर का होता है मेलेनिन पिगमेंटेशन। दोस्तों, हमारे लिप्स में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, जिससे मेलेनिन पिगमेंटेशन सिक्रीट होता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में मेलेनिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा, तो आप थोड़ा सा डार्क होंगे। अगर आपके शरीर में मेलेनिन पिगमेंटेशन कम होगा, तो आप उतने ही ज़्यादा वाइट होंगे। इसी मेलेनिन पिगमेंटेशन के कारण हमारे लिप्स के कलर डिसाइड होते हैं कि हमारे लिप्स जो हैं वो ज़्यादा पिंक दिखेंगी, कि थोड़ी सी डार्क दिखेंगी, कि बहुत ज़्यादा डार्क दिखेंगी दोस्त। और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जिसके कारण हमारे लिप्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं हमारे ओंठ। सबसे पहला कारण है स्मोकिंग। जो आप सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चैन स्मोकर भी होते हैं, हर 10 मिनट में उनको सिगरेट पीना है, तो उनके जो ओंठ हैं वो पूरी तरीके से काले हो जाते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना, या बहुत ज़्यादा चाय पीना, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ जो आप पीते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं, जिसके कारण मेलेनिन पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर बन जाता है, और थोड़ा सा हमारी जो स्किन में जो सेलुलर लेयर होती है वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो लिप्स है वो थोड़ी सी डार्क दिखने लगती है, थोड़ी सी काली दिखने लगती है। दोस्तों, एक कारण है सन रेस। जो बाहर सूर्य की रेज होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप, ऐसा काम है आपका, जैसे आप मार्केटिंग का काम करते हैं, MR हैं, या ऐसा काम है आपको बाहर धूप में जाना पड़ता है, और बाहर धूप में दिन भर, दोपहर में धूप में ही घूमना पड़ता है, तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, मेलेनिन पिगमेंटेशन आपके शरीर में बढ़ जाएगा। यही होगा लिप्स के साथ भी, तो आपके लिप्स भी थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी दोस्तों। एक कारण है ड्राइनेस ऑफ लिप्स। अगर आपकी लिप्स में बहुत ज़्यादा सूखापन रहता है और बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है, उसके कारण भी हमारी जो लिप्स हैं वो डार्क हो जाती हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा कारण है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, खासकर जो आप लिप्स में लिप स्टिक लगाते हैं, खासकर फीमेल्स वो जो लगाती हैं लिप्स में, इसके कारण जो है लिप्स धीरे धीरे डार्क हो जाते हैं। तो एक कारण है एनीमिया, मतलब आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो आपके लिप जो हैं, आपके ओंठ जो हैं, वो डार्क हो जाते हैं दोस्तों। एक बीमारी को बोलते हैं मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन। आपके चेहरे में एक जगह पूरा काला काला धब्बा पड़ जाता है, यहाँ पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, यहाँ पे काले काले पड़ जाते हैं धब्बे। मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा है, हो सकता है कि आपने भी देखा हो मेलाज्मा के बारे में। वहाँ पर भी मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, और ऐसा ही अगर आपको मेलाज्मा है, तो हो सकता है कि आपके लिप्स में भी मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ जाए, और मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ने के कारण आपके लिप्स जो है वो हल्की सी डार्क पड़ जाएँ दोस्तों। सो लास्ट में एक बड़ा कारण है मेडिसिन। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, या आपको ऐसी बीमारी है जो आपको दिन भर मेडिसिन खानी पड़े, तो इसके कारण भी लिप्स जो हैं वो आपके काले पड़ जाते हैं दोस्तों। सो ये थे कुछ मुख्य कारण जिसके कारण हमारी लिप जो हैं वो डार्क हो जाती है, हमारी लिप जो हैं वो काली पड़ जाती हैं दोस्तों। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, और इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा और कुछ टिप्स भी दूँगा। तो सबसे पहले, अगर आपके लिप्स जो हैं वो डार्क हैं, आपके ओंठ जो हैं वो काले पड़ रहे हैं, और आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो चाय पीना भी कम कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर आप
गरम खाना खाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा ठंडा करके खाना खाइए। और उसके साथ अगर आप अपनी लिप्स का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा सूखी रहती हैं तो लिप्स में वैसलीन ज़रूर लगाइए, जिससे आपकी लिप्स जो हैं वो सूखी ना रहें और वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम को यूज़ कैसे करना है मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा, अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे ये इफेक्ट है, क्या इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों कहीं भी आपको डार्कनेस हो जाए, कहीं भी आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ जाए, आपके मेलेनोसाइट जो सेल्स होते हैं जिससे मेलेनिन सिक्रीट होता है दोस्तों, अगर मेलेनिन सिक्रीशन थोड़ा सा बढ़ जाए जिसके कारण डार्कनेस हो जाता है और पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, उसके लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लिप्स में भी अगर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। दोस्तों अब चलते हैं आपको यूज़ कैसे करना है, आपको लिप्स में लगाना कैसे है। दोस्तों आप एक कटोरी ले लीजिएगा, छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। उस कटोरी में 20 बूंद नींबू का रस मिला लीजिएगा, उसके बाद 20 बूंद आप शहद मिला लीजिएगा और 20 बूंद बर्बेरिस एक्वाफोलियम मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप अच्छे से उसको कटोरी को उंगलियों से उस मिक्सचर को अच्छे से मिला लीजिएगा और उस मिक्सचर को आपको 2 से 3 बार दिन में लगाना है, खासकर आपको रात में सोने से पहले ज़रूर लगाना है। आपको 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए, आपके लिप्स जो हैं वो अच्छे से पिंक हो जाएं और अच्छे दिखने लगें और उनके जो कालापन है वो पूरी तरीके से चला जाए। इसके लिए आप ये जो मिक्सचर है वो 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मिक्सचर है दोस्तों इसके अलावा अगर आपके लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो आप 2 मेडिसिन और यूज़ करिए पीने के लिए होम्योपैथी की। उसमें से सबसे पहली मेडिसिन है कार्बो एनामिलिस। दोस्तों कार्बो एनामिलिस को आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों कार्बो एनामिलिस अगर आपकी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बहुत ज़्यादा काली पड़ रही हैं, आपके ओट जो हैं वो बहुत ज़्यादा काले पड़ रहे हैं, तो आपको कार्बो एनामिलिस ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों कार्बो एनामिलिस 30 CH पोटेंसी में आपको 2 बूंद सुबह सुबह और 2 बूंद शाम को लेना है, मतलब 2 बूंद आप सुबह पी लीजिए और 2 बूंद शाम को पीजिए। दूसरी मेडिसिन है आर्निका, और आर्निका 30 CH में आपको लेना है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों आर्निका हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, जिसके कारण हमारे जो ओंट हैं वो बहुत ज़्यादा पिंक दिखने लगते हैं। अगर आपके ओंट बहुत ज़्यादा काले हों तो आपको आर्निका यूज़ करना चाहिए। आर्निका 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज़ करें, इससे जो ओंट है वो धीरे 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 पिंकिश दिखने लगते हैं। दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो इतना आप करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके ओंट कभी भी काले नहीं पड़ेंगे, अगर काले पड़ चुके हैं तो वो धीरे 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 पिंक हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन दी गई है तो उसको दबाना बिल्कुल भी भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके आप बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन दिया गया है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन है तो वहाँ मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।